गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों, बड़ा को नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्यार हमारे दोस्त रेई वर्ग। चलिए दोस्तों, यस विश मी बेस्ट ऑफ लक। आज हमारा लॉ का पेपर है। यस, प्रे करना कि लॉ के पेपर केसड़ी जो जो हुआ है वैसे ही टाइप केसड़ी है सिमिलर में, तो कैसा रहेगा कि आंसर मेजर पार्ट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ये। लेकिन अगर कुछ ट्विस्टेड केसड़ी आया जो कि मेरे को आइडिया नहीं है, फिर दोस्तों बहुत दिक्कत देता है और टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है। तो होप सो कि यस, जो पढ़ा उसके रिलेटेड कुछ आए तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो मैं फटाफट लिख दूंगा। और बाकी एमसीक्यू प्रे करो दोस्तों कि मेरे सपोर्ट में रहे। बाकी आंसर तो अभी कुछ बोल नहीं सकता, आंसर एमसीक्यू कुछ बोल नहीं सकते, बट यस दोस्तों, विश एंड लक दोनों भी बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ से। तो चलिए कोई नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो यस, आइए देखते, अभी ब्रश कर लिया हूँ, देखते हैं नाश्ते में क्या नाश्ता खाते हैं, तैयार होकर निकल जाते हैं एग्जाम के लिए। चलिए, आज दोस्तों मनीष भाई ने मसाला डोसा लाया है, तो नाश्ते में तो मसाला डोसा रहेगा। तो दोस्तों ये रहा मसाला डोसा, जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, मज़ा आ गया खा के। यस, मज़ा आ गया, पेट भर गया। और अभी चलिए, बहुत टेस्टी था, क्या बताओ आपको दोस्तों। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, बैठ जाता हूँ, फिर उसका निकलते हैं, टाइम है भी थोड़ा। तो एक लास्ट बार देख लेता हूँ, गोथ्रू कर लेता हूँ, ऊपर से एमसीक्यू जो है एक बार रीडिंग कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, और जो कि नोट्स बनाया उसको रेफर करता हूँ, टेक्स्ट बुक लास्ट में नहीं पढ़ता। चलिए चलिए, फटाफट लग जाता हूँ दोस्तों। निकल रहा हूँ, बैग वैग ले लिया है, निकलते हैं, जींस जींस पहन लिया है, जाने का वक्त आ गया। चलिए, तो यस विश मी बेस्ट ऑफ लक, होप मैं पेपर पकड़ गया एकदम। चलिए दोस्तों, हम फाइनली आ गए यस घर पे। एवरेज था दोस्तों, एक्चुअली जो केस स्टडी आए थे बियॉन्ड बोलते हैं ना, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थे। यस दोस्तों, मैं जो जो पढ़ के गया, मैं सोचा कि उसके रिलेटेड आना चाहिए, लेकिन यस दोस्तों थोड़ा उसके बियॉन्ड था। यस, मेरे को टोटल दिमाग लाना पड़ा और मैं बहुत टाइम कंज्यूम किया एक एक केस स्टडी के लिए। और एमसीक्यू भी एज कम्पेयर जैसे देखा था ऐसे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ गए थे दोस्तों, एक दो शायद बीच में मैं अटका, लेकिन हाँ उस पर ही लिख किया अप्रॉक्स, बाकी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। लेकिन जो पैरा वाले थे दोस्तों, यस पैरा वाले क्वाइट टफ थे, बाकी कुछ डायरेक्ट आंसर भी आए थे। यस, वो बोलते ना क्या बोलते हैं, स्पून फीडिंग कर रहे थे, तो वैसा टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो पूरा ऑक्यूपाई किया, उसमें पूरा मार्क्स आ जाएगा। अब केस स्टडी में देखते हैं कैसा आएगा। था ओवरऑल पेपर या क्वाइट टफ दोस्तों, यस, और लेंदी भी था, लेंदी इन द सेंस मैं टाइम बहुत कंज्यूम किया, इसके लिए मेरे लिए लेंदी था, जिसको अगर केस स्टडी ऐसा डायरेक्ट आ गया तो उसके लिए। चलिए अभी घर पर तो आ गए, आई होप बस अच्छे से निकाल दे मॉडरेटर, जो भी हमारा इन्विजिलेटर, जो भी हमारा चेकर रहेगा दोस्तों, यस मार्क्स दे दे बस, और कुछ नहीं। दोस्तों खाना खा रहे हैं, खाने में है चावल और सांभर, तो चलिए खाते वही, कल रात वाला सांभर वगैरह था तो वही और चावल खा रहे हैं, फिर उसके बाद रेस्ट लेंगे, ठीक है। हेलो गाइस, मैं टनन की बहन और हम आए हैं सानपाड़ा के मिलेनियम टावर में, एग्जीबिशन है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये एग्जीबिशन की एंट्री कैसी है एंड क्या है, तो आप सब देखो एंड अगर आपको पसंद है तो आप भी कल आइए एग्जीबिशन में, इफ़ आपको कुछ परचेज करना हो तो। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये एग्जीबिशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज रेनबो एग्जीबिशन, वेलकम यू ऑल। जो मैं भी करती हूँ आप लोगों को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है और जितने भी लोग हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो ये देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट्स स्टार्टिंग एंड सब है। मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या वेराइटीज़ है एंड क्या क्या एक्सेसरीज है यहाँ पे ख़रीदने के लिए, शॉपिंग के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा, बट यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, तो हम देखते हैं क्या है यहाँ। ओके, इसके सेक्शंस है जैसे कि आप देखें, यहाँ पे बहुत सारे क्राउड्स है एंड ये साड़ीज़ है, यहाँ पे साड़ीज़ की कलेक्शंस भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एंड ये भी फिर से ड्रेसेस, तो ये ड्रेसेस के कलेक्शन की मैम है। हेलो मैम, सर आपका ड्रेसेस का कलेक्शन है राइट, इंडियन वेयर? या, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सर्ट्स ड्रेसेस, फेस्टिव वेयर भी है और रेगुलर वेयर भी है मैडम। गाइस, इनके पास इंडियन वेयर और रेगुलर वेयर दोनों के कलेक्शंस है एंड हमारी मैम है हमारे साथ में जिनका कलेक्शन है, एंड आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी कल यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे है ना आज। ओके गाइस, आज ही है, तो अगर आप आ जाना चाहे तो आ सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं जो भी है ये। गाइस, हमारे पास एक और एक इंडियन वेयर का कलेक्शन है यहाँ पे, मेरी दी देख रही है, उनको कुछ कुछ डिज़ाइन एंड सब पसंद आ रहा है, तो शी इज़ चेकिंग एंड आउट एवरी थिंग एंड वहाँ पे हैंडमेड एक्सेसरीज है, तो ये सब चीज़ें है। देखो, मेरी मम्मी आंटी सब बात कर रहे हैं प्राइस साइज सब, बट मेरी दीदी के साइज़ का है ही नहीं, सो अब दीदी देख रही है और किसी में मेरे साइज़ का है या नहीं, और मम्मी सजेशंस दे रही है। ये देखो,
हेलो गाइस, मैं एक और एक एग्जीबिशंस में आई हूँ जहाँ पे राजस्थान के स्पेशल आइटम्स मिलती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, ये है बालाजी रेस्टोरेंट जहाँ पे हमारे राजस्थान की स्पेशलिटी है दाल बाटी चूरमा एंड वो मिठाई एंड ऑल ये सब है। मम्मी दीदी हम लोगों ने प्याज की पकौड़ा और वो चाट, फिर रगड़ा चाट किया और वो घेवर है, तो ये सब चीज़ें और दाल बाटी चूरमा भी लिया। और यहाँ पे लोग ऐसे एकदम राजस्थानी स्टाइल में एंड यहाँ पे लोग बैठ के खा भी रहे, तो बहुत टेस्टी है ये। और दीदी हमारी पेमेंट कर रही है यहाँ पे फुल तीन, और मम्मी ऐसे खड़ी एकदम मस्त पोज में खड़ी है देखो। और मम्मी कैसा लग रहा है, पूरा खा लोगी ना आप तो एक ही बार में? आराम से देख लिया, मम्मी खाएगी, इतना पसंद आया मम्मी को। सो हम आ गए हैं दूसरे एग्जीबिशन में देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, तो आइए चलो हम आपको एक एक सेक्शन दिखाते हैं। गाइस ये ऑर्नामेंट सेक्शंस है, एक्सेसरीज मतलब लाइक ज्वेल्स, तो यहाँ पे आप ये सब डिजाइन सब देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ये चादरों की सेक्शन है जहाँ पे सब राजस्थानी स्टाइल में किया है और डिज़ाइन भी वैसे है, लाइक इसमें आपको कॉटन एंड रजाई वगैरह भी है, तो सब अच्छी है ये सब। और ये हमारे नाइट वेयर का है जो हमारे मम्मी लोग पहनते हैं डेली वेयर के लिए, नाइटीज़, इसमें कॉटन भी होंगी। सो जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे भगवान की सारी चीज़ें मिल रही है, मतलब जैसे भगवान की मूर्ति, ये देखो यहाँ पे ऐसे सब मूर्ति है एंड देन माला है एंड मेरी दी वहाँ से वो ले रही है ये सब चीज़ें। क्या है मम्मी? नजरिया, ये नज़र ना लगे वाला ब्रेसलेट आता है वो है गाइस, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एंड ये स्टैचूज यहाँ पे गाइस देखो, हनुमान जी का कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये गाय का, कृष्ण भगवान का जो है वो, सो बहुत अच्छी है यहाँ पे सारी चीज़ें एंड वो वहाँ पे बाउल्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। ये भैया कह रहे हो मेरी दीदी को कुछ चीज़ें पसंद आ रही एंड यहाँ पे गाइस कड़ा भी है। ये कितने का? सो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे गाइस, ये देखो यहाँ पे पेंटिंग्स है, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है गाइस, राधा रानी, छत्रपति शिवाजी महाराज और गणपति बप्पा, कितनी सुंदर है गाइस। अगर आप लोग को अपने घर के लिए लेना होगा तो प्लीज़ आप आके ले लेना। देखो गाइस कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं जो ले रहे हैं, यहाँ पे लाइन है पेंटिंग्स के लिए। गाइस ये देखो, ये मूर्तिज़ की कलेक्शंस है डेकोरेशंस के लिए, अगर कोई जिसका अगर कोई बंगलो वंगलो रहेगा तो वो ये सब चीज़ें डेकोरेशन के लिए कर सकता है, एंट्रीज पे या बालकनीज में या नॉर्मली जहाँ पे भी आपका मन करे। कितनी सुंदर है ना गाइस, ये देखो गाइस कितने अच्छे लग रहा है ना गाइस, ये फ्लावर का, ये देखो गाइस मेरी मम्मी, हम इतने बड़े मार्केट में सब जगह घूम लिए फिर भी मेरी मम्मी इधर आ उधर आ चालू है, ये देखो गाइस। देखा रहेगा मैं तो खाना खा रहा था, फिर शाम हो गया तो मैं रश ले रहा था और नेहा जी चली गई बाहर सामान लेने एग्जीबिशन था कहीं, तो यस उधर गए थे मम्मी नेहा जी लोग, और बाप रे ऐसा सामान उठाया, ऐसा सामान था क्या पता क्या क्या लिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, आइए देखते हैं क्या क्या लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो ये भाई है, पता नहीं ये भाई क्या करे, ये देख रहे नहीं है कुछ, ये बोल रहे नहीं है कुछ और ये सुन रहे नहीं है कुछ। ये हमारे गांधी जी के तीन मॉन्क्स, बंदर तो नहीं है मॉन्क्स है, और ये लाफिंग बुद्धा भी ये प्यार से बोलते हैं, ये क्या करे आप लोग भी बताना मुझे मालूम नहीं क्या करे। और नदी और क्या लिया आपने, पियो पहले पानी,
पानी पी रही हूँ, गार्गल नहीं कर रही हूँ। क्या क्या लिया? और मैंने साड़ी लिया। क्यों लिया साड़ी? क्या क्या दिखा रही थी आप? ये मैंने लिया, ये सब तो लिया। लेकिन इसका लेने का कारण क्या, आप ये बताओ इससे क्या होता है? पॉजिटिव आती है? मतलब ऐसे डेकोरेशन के लिए, मुझे बहुत अच्छा। आप क्या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में हो? कोई कॉम्पिटिशन में आ रही हो? टकले लोग हैं तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। टकले क्यों? चार टकले। मसाला क्यों? ये इंस्टा मंचूरियन मसाला लिया। तो हमें चाहिए। दीदी ने लिया है ये इंस्टेंट मंचूरियन, इसमें बेसन सारे मसाले मिक्स है ना दीदी? मिक्स है, रेडीमेड मसाला। देख रहे होगा दीदी एकदम स्मार्ट हो रही है। स्मार्ट है, खाली वेजिटेबल्स को घुमाओ ऐसे है ना, मंचूरियन फ्राई हुआ। और टिफिन बैग लिया मैंने। टिफिन बैग? मतलब एग्जीबिशन में मेरे को लगता है सिर्फ आपने ही लिया है ना? नहीं नहीं, बाकी किसी को लेने दिया ही नहीं लगता। पापड़ है दोस्तों, देख लो ये पापड़। हमेशा पापड़ आपको बड़े दिखते रहेंगे लेकिन ये एकदम छोटे पापड़ है, ब्राउन पापड़ है ऊपर से। और ये खाकरा, ओ माय गॉड, जेठालाल की याद आ गई है ना, बाजरी मेथी खाकरा, क्या बात है। तो इतना ही सब लिया ना? तो दैट्स इट दोस्तों, दीदी ने इतना लिया और न्याजी ने साड़ी लिया। दीदी ने इतना सब लिया और आपने सिर्फ साड़ी लिया। ए भाई हमने भी लिया हमारे घर के लिए। सेम नहीं, खाकरा वाकरा? हाँ वेफर वो अपने घर के लिए भी लिया और मेरे दो पैकेट मैगी लिए अंदर। मैगी लिया? हाँ घर के लिए मैगी। ओ माय गॉड, ट्रीट से कोई आ रहा है। चलिए चलिए दोस्तों, अभी मैं गया तो पढ़ाई में और मिलते पढ़ाई के बाद दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों खाने में है चने की भाजी, सांबर और ये अलग से है, और चावल है और बाकी रोटी है। तो चलिए हम फटाफट खाते और मिलते हैं दोस्तों खाने खाने के बाद। फाइनली खाना खा के हो गया, ये पेट भर गया। और होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और दोस्तों हाँ, आज अभी वापस पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आज ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो यस रात को तो रिक्शा बैठूंगा। कल छुट्टी है माल में, हर सीए के एग्जाम के बाद एक दिन का लीव मिलता है और वो लीव में हमें यूज़ करना चाहिए, तो यस थोड़ा रात को एक्सटेंड कर देंगे, पढ़ाई और कुछ नहीं बाकी। तो चलिए आपको अच्छा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों थोड़ा बैर कर लेना, कुछ दिन और एग्जाम है, एग्जाम के बाद वापस कंटेंट आने लगेंगे। मानता हूँ अभी कुछ नहीं, ओनली पढ़ाई है, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, सिंसियर होना पड़ेगा एग्जाम्स है तो ऐसा थोड़ा मैनेज करता हूँ। और लास्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ता है दोस्तों, नहीं दिया तो ऐसे दिल में एक फॉल्ट रहता है या फिर एक ऐसा रहता है कि हाँ भाई नहीं दे पाए अपना बेस्ट, तो बेटर है कि दे ही देता और फुल ट्राई है कि नहीं, तो ऐसा ये नहीं रहता। बाकी तो चलता ही रहेगा पढ़ाई, पढ़ाई कभी छोड़ नहीं सकते। तो चलिए प्लीज़ ऐसे अच्छा लगा तो देखते रहिए तरुण व्लॉग्स। और क्या दोस्तों, बाय दोस्तों, शुभ रात्रि, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। और क्या दोस्तों, सुरक्षित रहिए और पावरफुल रहिए, शक्तिमान रहिए। चलिए दोस्तों बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय मम्मी, बाय बाय मनीषा, बाय बाय दोस्तों, बाय।